वेल आई जस्ट ब्रॉट डाउन टू पेपर जो भी मेरे भावनाएं थे, जो भी मेरी समझ थी, इमोशंस बहुत थे इसमें, जो मुझे लगा. मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था, इको बापा के बारे में मैंने आर्टिकल लिखा था, जो काफ़ी सालों से अ लॉट ऑफ एमिनेंट न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड दैट आर्टिकल ऑल्सो. बट देन आई थॉट नाउ वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड एंड यू नो एवरीथिंग दैट यू रीड ऑन द इंटरनेट, सम पीपल don't have all the information about the festival, about the tradition, about the a lot of things. So I thought let's go, let's meet the people who matter, put it all together and try and bring awareness. Yes. करने वाले पप्पा खुद हैं, हम और आप क्या कर सकते हैं. That's the basic reality. But also done, जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं, दैट रियली नीड्स एन अप्लॉज. दैट्स ऑल आई कैन से. यू कैन से वी आर जस्ट वन ऑफ देम. देयर समथिंग मोर टू कम इन पाइपलाइन फॉर श्योर. So the basic problem is the mindset of ours. We, it is always a blame game. इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, मैं क्यों करूँ, या मैंने किया तो उसने नहीं किया. तो अगर ये छोटा सा माइंड सेट चेंज हो जाएगा और एक स्टेटमेंट है मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, अगर ये हम मानना शुरू कर देंगे तो शायद किसी बीच और इसकी ज़रूरत नहीं, शायद कोई कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं, शायद कोई वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं. सो एक छोटा सा माइंड सेट हर चीज़ चेंज कर सकता है. और जनरली फेस्टिवल्स, यस फेस्टिवल इज अ वी ऑलवेज से दैट फेस्टिवल आता ही माहौल बन जाता है, वो खुशी का माहौल आ जाता है. बट कहीं ना कहीं खुशी के साथ साथ वो एनवायरनमेंट जो हमें खुशी देती हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो एनवायरनमेंट को हार्म करें. तो दैट्स इट अबाउट. एक्चुअली हम सालों से हम चांदी का गणेश जी बिठाते हैं घर पे और उसका विसर्जन भी पानी के बकेट में होता है. उसके बाद हम उसको फिर से पूजा घर में रखते हैं, एक अलग जोन में रखते हैं, जो सिर्फ फिर एक साल बाद वहाँ से गणपति बाप्पा फिर से हमारे घर में आते हैं. सो वी हैव ऑलवेज फॉलोड दैट काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन माई फैमिली दे हैव कोकोनट के गणेश जी, यू नो, एंड दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रसाद. सो अ लॉट ऑफ, आई मीन इट्स आफ्टर ऑल इट्स योर सेंटिमेंट. भगवान किसी भी रूप में, आपको पत्थर में भी भगवान दिख सकता है, तो ये आपकी भक्ति होती है. एंड आई जेन्यूनली बिलीव दिस कि द साइज ऑफ योर आइडल डजेंट, या इट्स नॉट प्रपोर्शनट टू द साइज ऑफ योर डिवोशन. यू नो यू कॉन्ट मेजर इट विद द साइज ऑफ योर डिवोशन. सो you know, I mean, that is also a very important message that I want to promote during this pre-awareness, you know, Eco Bappa Moriya activity, that murti ke size, murti, aapke murti ka size koi bhi ho, kuch bhi ho, but bhakti hai, to Ganpati Bappa khush ho jayenge. Yeah. Ye, film ke bare mein kuch bataenge, aap elaborate karenge ki kya hai, kya isme dekhne ko milega, ya what's your तो इको बापा मोरिया जो है वो एक फिल्म नहीं है, वो एक आई थिंक इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ रियलिटी. आई वुड नॉट लाइक टू कॉल इट अ फिल्म. आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट रियलिटी एंड शो इट टू द ऑडियंस इन अ वेरी कैंडिड वे. तो जब मैंने ये बनाया, तो जब हम शूट कर रहे थे और जब हम एडिट कर रहे थे, वीडियो जब बन रहा था, तो मेरा लार्जर पर्पज़ ये नहीं था कि प्रोडक्शन वैल्यू दिखना चाहिए या फिर यू नो बहुत प्रोफेशनल लगना चाहिए. आई वॉन्ट टू मेक इट लाइक अ वेरी, लाइक हाउ यूट्यूबर्स मेक इट, अ वेरी कैंडिड अप्रोच. एंड आई थिंक वी हैव अचीव दैट बिकॉज जब सिंपल चीज़ें कम्युनिकेट करनी है तो वो सिंपल सिंपलिसिटी के साथ करनी चाहिए और वो इंस्टेंटली दिल को छू जाती है. विसर्जन के बाद जैसा कि हम नेक्स्ट, हम जो है मूर्ति भी नहीं देखते हैं, नेक्स्ट डे जो हम अगर हम जाएं तो ढेरों सारा हमें परमिशन देखने को मिलता है. इस बार आप लोग
इससे कैसे क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की एंड कैसे आप लोग निपटने वाले हैं, क्योंकि बहुत हमें देखने को मिलता है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इस बार कैसे आप लोगों की स्ट्रेटजी है आप लोगों की इस पॉल्यूशन से निपटने? इस बार मैं इनके साथ जुड़ने वाली हूँ, चीनू कवात्रा के साथ, और ये जो है ये 3 साल से इसमें बहुत ही इन्वॉल्व हुए हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को जागरूक किया है इंक्लूडिंग मी। तो मैंने प्रण लिया है कि मैं इनके साथ जुड़ जाऊंगी और ही इज़ गोइंग टू गाइड मी फॉर पोस्ट विसर्जन क्लीन अप एंड अवेयरनेस। या जहाँ विघ्न है वहीं विघ्न हरता है, सो डोंट वरी, हमारा वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। या विकास करना जी भी है इसमें, तो ओ ऐसा मुझे मतलब थोड़ा, यस यस यस, तो ही इज टेकिंग केयर फॉर ऑल द मोदक्स और लाइक Modaks will come along with the territory when Vikas, Chef Vikas with, is with us, but I think I really appreciate him that unhone bahut kam samay mein is film mein apna ek thoda sa yogdan diya hai, aur unhone kitchen mein aap kitchen ingredients ke sath kaise eco bappa ko bana sakte ho, ye unhone hame film mein thode se tips diye hai, so that was extremely special of him, unhone itne शॉर्ट नोटिस पे न्यूयॉर्क से आए एंड नेक्स्ट डे ही वॉज लाइक ऑन द सेट विद मी, सो येस आई रियली वैल्यू हिज शेफ विकास खन्नास प्रेजेंस। अभी तक काफ़ी लोग पहले से इसके बारे में जागरूकता कर रहे हैं, कहते भी हैं, बातें भी होती हैं, आपको लगा कुछ डिफरेंस हुआ है अभी तक? ऑफ कोर्स डिफरेंस हुआ है, बट क्या है ना, कुछ सालों में ही डिजिटलाइजेशन और मीडिया का जो मतलब फैलाव है या इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिस इज़ द टाइम वी कैन एक्चुअली यूज़ डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रमोट दिस कॉज लाइक नो वे बिफोर, यू नो, एंड ऑल्सो दिस इज़ अ प्री अवेयरनेस, लाइक वी जनरली सी एंड रीड आर्टिकल्स अबाउट कि हमको पर्यावरण को कैसे बचाना है, ये सब हम फेस्टिवल के दौरान पढ़ते हैं, बातें करते हैं। पहली बार मुझे लगा कि एक्चुअली कई सालों से मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा पहले होना चाहिए, इट हैज़ टू बी लाइक अ प्री अवेयरनेस थिंग, सो हेंस माय रिक्वेस्ट टू द मीडिया आल्सो दैट स्टार्ट योर प्री अवेयरनेस कैंपेन्स एंड अलर्ट्स टू द मासेस लाइक फ्रॉम नाउ, लाइक वी आर लाइक आई थिंक 22 डेज अवे फ्रॉम गणेश चतुर्थी, सो यस यस। कैन आई ऐड समथिंग विद दिस, इज इट पॉसिबल? सिंस वी आर क्लीनिंग बीचेस सिंस लास्ट 2 ईयर्स एंड हर साल लास्ट ईयर के गणपति भी इस साल मिलते हैं, सो हमारे लास्ट टू लास्ट संडे को हमें लास्ट ईयर के जो विसर्जन किए हुए गणपति थे वो मिले थे, तो आप समझ सकते हो कि जो POP है वो कितना हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए। सो एवरी ईयर वी यूज टू थिंक दिस के यार गणपति के बाद क्यों होता है, इट इज़ ऑलवेज दैट कि पुलिस आई चोरी होने के बाद, तो ये गणपति के बाद ये विसर्जन जो अवेयरनेस हो रही है ये क्यों होता है, उससे पहले होना चाहिए, उससे पहले मतलब जब हम गणपति बुक करने जाते हैं यूजुअली ऐसा होता है कि हम एक एक डेढ़ महीने पहले गणपति बुक कर लेते हैं, 20-25 दिन पहले गणपति बुक कर लेते हैं, तब अगर लोगों को समझाया जाए ऑल्टरनेटिव्स के बारे में तो शायद चेंज लाए। लास्ट ईयर हमने मैम यही बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस की थी जब हम लोगों के पास जा रहे थे इको फ्रेंडली बोल के, they are like we have already booked next year dekhenge, so this is the, and I was the happiest person when I got a call from Amrita ji that we have to do this, and I like it, this time jo percentage socha hai humne 10 to 100 banane ka shayad ho sakega with this pre awareness of Ganesh Chaturthi. Amrita ji, is it the extension of Swachh Bharat jaise aapne ek do baar pehle bhi kiya tha sab, स्वच्छ भारत ऑफ कोर्स इट्स बीन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ड्रीम, बट एज आई कीप टॉकिंग अबाउट इट व्हाई शुड बी इट रिस्ट्रिक्टेड टू हिज ड्रीम ओनली, ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना काम पूरा करे, जैसे उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले कि इट्स अबाउट दैट मेंटल बिलीफ दैट वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड क्लीन आवर सराउंडिंग्स. Why do we clean our houses? It's
वाई शुड यू बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली होम, जैसे आपने जिक्र किया स्वच्छ भारत का, तो दैट्स व्हाट वी डिड इन वन ऑफ द शॉर्ट फिल्म्स वी हैड प्रोड्यूस्ड सम टाइम बैक, विच द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो ट्वीटेड ऑन द सेम, जहाँ पर हमने दिखाया था कि भाई हम जब सफाई नहीं रखते हैं अपने प्रांगण में या अपने घरों में तो लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं. तो इट्स द सेम थिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू क्लीन अप आवर ओन सिटी, आवर ओन मदरलैंड. दैट्स वॉट इज ऑल अबाउट. बीच ड्राइव्स, येस दे आर डूइंग इट. समवेयर डाउन द लाइन इवन टीम एम्पल मिशन कीप्स डूइंग इट. इस बार डेफिनेटली विल सिनर्जाइज एंड ट्राई एंड टेक इट एट अ लेवल नेक्स्ट. Yeah, really? Oh that's my it. God. Okay. You just nailed it. Yeah. I think there are a few more questions. Yeah, yeah, sure, sure. Look at वेल लाइक आई सेड यू नो देर वॉज नो स्क्रिप्ट, इट ऑल केम फ्रॉम माई हार्ट. जो भी मुझे लगा मैं लिखते गई और हमने बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट किया. ये इसके पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं था कि इसकी यू नो इसकी क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत मेजर होनी चाहिए. इट वाज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. आई वी कुड हैव हैड सम एरर्स आल्सो, यू नो लाइक सम क्रिटिक्स कैन आल्सो पॉइंट आउट कि ये शॉट ये ऐसा था, ये एडिट यहाँ. बट ए हम बहुत टाइम ले सकते थे, इत्मीनान से इसको बना सकते थे, बट वो मकसद नहीं था. ये मकसद था कि इसको तुरंत लोगों तक पहुँचाना है. पिछले 44 आवर्स में मैं सोई नहीं हूँ, खुद एडिट पे बैठी हूँ. बिकॉज एडिटिंग इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस. बट येस आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू. एंड आई होप दिस गणेश चतुर्थी आफ्टर द विसर्जन न्यू एज क्रांतिकारी के लिए थोड़ा सा कम यू नो काम होगा. या सो दिस इज़ लाइक आई सेड, दिस इज़ नॉट कि आज ये हुआ और ये ख़त्म हुआ. यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है. ये एक कैंपेन है जो मैं एवरी ईयर साल दर साल सपोर्ट करना चाहूँगी. तो हम अभी टारगेट कर रहे हैं कि हम स्कूल्स में जाए, हम म्यूनसिपालिटी स्कूल्स में भी जाए. हम इसी मैंने इसको हिंदी में इसीलिए डॉक्यूमेंट किया ताकि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी समझ में आए. स्मॉल टाउन्स, वो लोग जो बम्बई में आते हैं, जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक इतना काम करते हैं, उनके पास अवेयरनेस होने का या फिर एडुकेट करने का वक्त ही नहीं होता. यू नो वी हैव सो मच ऑफ हार्ड वर्किंग वर्किंग क्लास पीपल इन मुंबई. सो आई होप थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, थ्रू द एप्स, यू नो दिस वीडियो कैन सर्क्यूलेट. People see it, go on the links and watch the video. So yeah, it's a journey that has just begun. Yeah. Really? No, but you know, honestly, this was the intention for me of putting this, writing this, documenting this was not, you know, to show anything else, but just my genuine. Yeah, the potential, the talent which came up from this. I'll take it as a compliment. Yeah, thank you. Amita, one more thing, or we like we hardly met you. Yes. As we were discussing about the Swachh Bharat and the initiative of Mr. Prime Minister, I just would like to ask you about the current situation, the decision taken by our government and Mr. Prime Minister regarding Jammu and Kashmir. So, we would like to have your views on that. And is this a historic and a positive for the people of the Kashmir? Do you think as a citizen, as a person? Well, I think we have always supported Kashmir. Kashmir has always been very dear to this country.
even when there was floods and there was a very bad situation, not only the Prime Minister, but India went out. They reached out to Kashmir through so many donations and sending food. And, you know, like Kashmir has always been very dear to us. And I'm sure whatever has happened, we will wish and we will always stand in support for the brightest future of Kashmir. Yeah. हाँ जी अच्छा कदम अच्छा एक लोगों के लिए विस्थापन करने के लिए जो कश्मीरी जो पहले बाहर आ गए थे उनको वापस स्थापित करने के लिए एक आगे कारगर एक अच्छा कदम साबित होगा जी बिल्कुल होगा और भारत ने हमेशा कश्मीर को सपोर्ट किया है हमारा जब कश्मीर में बहुत फ्लड्स थे कोई भी सिचुएशन जब होता है तो हमने उन मतलब वी हैव स्टूड इन स्ट्रेंथ विद कश्मीर सो अभी भी जो हुआ है आई थिंक वी आर इन ग्लोबलाइजेशन नाउ एंड इट विल हेल्प द फ्यूचर ऑफ बोथ द कंट्रीज आई मीन टुगेदर या Which has been your favorite film of involving Ganpati and any song which is your favorite for Ganpati? For me, Ganesh Chaturthi, the festival, the puja is not complete without listening to Lata Ji's Sukha Karta Dukha Harta. Very honestly, you know, and that the minute I heard Lata Ji's voice and heard the first word Sukha Karta, it gives me goosebumps. So for me, that is the ultimate moment of my, you know, like my whole puja process. Yeah. इच्छा पूरी करते हैं क्या गणपति? बिल्कुल आज की ना. आज हमने देखा, हम यहाँ आए थे और हमारा we had some technical issues also. In fact, all throughout these 7 days that we were filming Eco Bapa Moria, we were editing Eco Bapa Moria, बहुत सारे obstacles आए, विघ्न आए, viral हुआ मुझे 12 दिन, we got majorly delayed, editor का bike पानी में submerge हो गया, क्योंकि कुछ 2-3 दिन पहले मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो मुझे पता है कि हमने सब ने रात रात भर जग के इस फिल्म को बनाया है, edit किया है, हर एक point पे, edit point पे मैं बैठी हूँ, तो and finally when we reached here, we had a technical glitch and we couldn't see the film on the big screen. But then we gave media interviews and finally kuch ho gaya jadoo aur hum sab ne film dekhi. So yes. Well, I don't really ask things to God. I don't really, main koi aise mangti nahi hoon. I just thank him. So yes, he's always been there with me. Ganpati festival is also about coming of families and relatives. पता नहीं हमने सुना था ऐसी चीजें आज आप उसको clear कर देंगे. So you know Miss Deepika Padukone is also your relative now. Oh yes. And could you just Well, I belong to the Chitrapur Saraswat community, which is a Konkani speaking community. We are from Karnataka. And people often mistake it for Konkan belt. It's not. It's in Karnataka. It's a very small community. In the film industry, we've had some amazingly talented people. Mr. Shyam Benegal, Atmaram Padukon, Gurudat Padukon, who was Konkani. People don't know that Gurudat was not his surname. He was Gurudat Padukon. And now we have, of course, Deepika Padukone, Isha Kopikar. I have been in the industry now. Among the actresses, we have Leela Chandavarkar. And there is the famous singer also. Anuradha Podwalji is also half Konkani. Her mother is a Konkani. So yes, it's been a small community. And everybody is related to everybody. Yes, and recently, of course, my cousin and Deepika's cousin tied the knot. So yes, it was a reason for the whole Konkani community to come together. जुड़ गया. Thank you. आपने जोड़ दिया. So any plans of films, anything coming up? Yes, there is, but this is not the platform to make that announcement.
So, but we will talk soon. Farah Khan के साथ आपने शुरुआत की थी. Of course. वो सत्ते पे सत्ता बना रही हैं. आप जुड़ना चाहें? See, I would love to work with Farah again. I would love to work with all the directors I've worked with again because they have been such amazing directors. But I always, you know, when it comes to saying yes to a movie, I have always gone by my first instinct, my first reaction to the script. I've always maintained that. And then, of course, I have certain comfort parameters that I stick by. So then, yes, but Satya Pe Satta is... It's a fab film, you know. It's like, it almost reminds us, it's like the Sound of Music of Hindi cinema. So yeah, I would love to be a part of a film like that, of course. अब जो प्रश्न है उसका जवाब आपने पहले दे चुका है, उसका जो second part था शायद आपने print में दिया था. तो the Ishq remake वापस से बन गया. Ishq Ishq 2, हाँ. तो आप उससे जुड़ना चाहोगी या कोई और उसमें आए, अगर आए तो कौन आए? Well, Ishq Ishq is such an emotional film for us, for me, and it actually, I think, got me my home in the film industry. I found my place, my house in the film family, film fraternity. So it's a very special film for me. Ishq Ishq 2 banegi, I am very excited. I'm like more excited actually, because I know the audience loves Ishq Ishq. And yeah, I mean, I was given a few names and I thought that Sara Ali Khan could be the good new age Payal. She has that charm and she has that innocence and yet that X factor, spunk. So she would be a good Payal, yeah. And in Shahid's place? Ishan, of course. I can't see anybody else in Shahid's place except for Ishan. And yeah, I think they'll make a good pair also. वो आप डायरेक्ट करेंगे. Ah, so sweet, so sweet. I would, yes, hopefully. Ganpati Bappa Moria. Eco Bappa Moria. And Eco Bappa Moria. 1, 2, 3. Eco Bappa Moria. Ganpati Bappa Moria. Thank you so much. Thank you, thank you. One and one की ज़रूरत नहीं ना. बाहर खड़ा रहना पड़ेगा मेरे को. मुंडी खाली क्या हो गनी भाई चलो मेरा यार हम लोग चलो मैम लेफ्ट 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 सर ये वोटिंग ये वीडियो के लिए थैंक यू थैंक अब वीडियो के लिए हां वो दादा वो ऑल ऑफ यू हैव टू टेक अ इको पापा मोरिया होम इसे तो मैं आगे आगे चलो आगे लाइए You are watching me on Next Star. Sunday.